उसके पेट में हमारे बेटे के क्यों चाकू मारे हैं? पुलिस क्यों नहीं पकड़ के ले आती? हमारे सामने पकड़ के ले, हम देखे उसको कौन है हमारा दुश्मन है, हमारे को भी पता लगे, हमारे को भी पता लगे हमारा कौन है दुश्मन। कल को उनके माँ बाप को भी मार सकता है, क्यों नहीं सुनाई हो रही हमारी? हमारे को शक्ल न दिखाए हमारे को दुश्मन कभी हमारा बच्चा उनके साथ बोलता भी नहीं था, कभी हमने गली में भी नहीं देखा उसको, कभी हमें यह भी नहीं पता कि ये लड़का, ये तो हमारा लड़का कह के गए, ये इस नाम का लड़का है, हमें तो उसकी शक्ल अब तक भी नहीं देखी कैसा है। अभी तो एक का नाम बता दिया, वो अभी एक का नाम बताया हमारे बच्चे ने, तो हमारे बच्चे ने एक का ही नाम बोला है। उसके बाद हमारा बच्चा गली में है, कुछ नहीं बताया हमारे बच्चे, रात के यार लड़का भाग गया, अब वो चढ़ावा चढ़ रहा है, इसीलिए पुलिस ने बातों के गिरफ्तार कर लिया है ना, कह रहे बच्चे को बुलाएंगे, अभी तक बुलाए नहीं। वो बच्चा आएगा जिसने मारा, पाटू है उसका नाम, वो बताएगा कितने आदमी थे, तो क्यों मारा, कारण पता लगा अभी? यही तो, वो पकड़ा जाएगा जब ही तो पता लगेगा। गांव का रहने वाला बच्चा, गांव के ही रहने वाला है, तो वो भी गांव के रहने वाला है जी, कुंजपुरे के रहने वाला है, कुंजपुरे में रहने वाला है। हाँ जी हमारा बेटा है, मैं ताई हूँ बच्चे की, वो मम्मी है, मैं ताई हूँ। अच्छा, कुछ बात नहीं थी हमारे बच्चे के साथ, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था हमारा, सारे जाके गांव में पूछ लो, हमारा बच्चा किसी को एक से दो कहता हो तो, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं हमारे बच्चे की। करता है? काम कुछ नहीं करता, थोड़ा पड़ा हुआ, हमने टाइम पास के लिए मोटरसाइकिल वाली दुकान पे लगा रखा है, वहाँ उसको खर्ची मिल जाती है, वहाँ पे बैठा रहता है, 200-400 रुपए उसको खर्ची देते है, वहाँ से तनख्वाह भी लेके आया था बच्चा, सुबह उसकी मम्मी ने देखा जेब में पैसे भी थे हमारे बच्चे के, हमने फोन लेके दिया, अभी इसका थोड़ा दिमाग सेट हो जाएगा, सही हो जाएगा ये बच्चा, उन्होंने फोन किया है हमारे बच्चे को, कभी हमने देखा भी नहीं है उसको, वो बाडी लोग है, नाम बताया गया पाटू उस लड़के का, हमने कभी नहीं देखा उसको, उसने बोला मम्मी ये फोन आ रहा है, उसकी मम्मी ने फोन उठाया, उसने कहा आंटी सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया है, तो हम खाना खाने लग गए तो बच्चा बाहर निकल गया, फिर क्या पता फोन आया कि बच्चा हमारा कैसे गया, तो हम 10 बजे बाहर निकले उसको ढूंढने के लिए, सोएंगे भाई, तो उसके पास इधर उधर देखा तो हमारे को बोले बच्चा नहीं, सारी मार्केट बंद हुई पड़ी थी, हमने फोन किया उसका स्विच ऑफ आया, तो हम बाहर निकले तो हमारा बच्चा अंधेरे वाली साइड से अकेला आ रहा था। तो ये लड़के उसी गांव के ही है? हाँ जी उसी गांव के, हमारा बच्चा बाहर से अकेला आ रहा था, हम गेट के पास खड़े थे, तो उसकी सिस्टर वहाँ पे खड़ी थी, वो भाग के गई है, उसने भाई बहन को देख के वो बच्चा हमारा ऐसे करके बैठ गया, उसमें चलने की हिम्मत नहीं थी, खून में लथपथा, भी कपड़े देखे जाए, चाकू से हमला हुआ है, तो हमने यहाँ पे गर्दन पे देखा 3-4 चाकू गर्दन पे लगे। डॉक्टर क्या कहते हैं जी? चाकू बरामद हुए? नहीं हुआ जी, हमारे पास कुछ नहीं हुआ। अभी पुलिस को शिकायत दी आपने? पुलिस को दे रखी है शिकायत, अभी तक कोई नहीं आया हमारे बच्चे को दे। डॉक्टर ने 48 घंटे का टाइम दे रखा है, वेंटिलेटर पे हमारा बच्चा है, अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई पता नहीं है। उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे क्यों 18-19 साल उम्र है हमारे। किस प्रकार से 18 साल का बच्चा है, माता है, देख सकते हैं यहाँ पर रोती हुई नजर आ रही है। बच्चे ने क्या बिगाड़ा था उनका, उन्होंने क्यों मारा मेरे बच्चे को? मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, उन कुत्तों से, उन तिरंगों से, मेरे बच्चे को क्यों मारा, क्या चाहते थे मेरे बच्चे से? मेरे बच्चे ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरे बच्चे ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, क्यों मारा मेरे बच्चे को? उसी गाँव के, मेरे को नहीं पता क्या करते हैं वो, मेरे को नहीं पता कितने लोग हैं। नहीं यारी दोस्ती नहीं थी। तो अचानक से कैसे फोन आ गया इसको? घर पे बहन आई है उसकी, भांजो के साथ खेल रहा था, 3-4 बार फोन आ गया, फिर मेरे को कहते मम्मी फोन आ रहा है बार बार, मैं किसका है, फिर फोन कट हो गया, फिर मैंने दोबारा फोन किया उसी नंबर पे, कहता आंटी रॉन्ग नंबर, मैं कहा तुमने फोन किया इस पे, कहता आंटी हमने नहीं किया, मैं कहा तुमने किया है, फिर फट दे से फोन उन्होंने काट दिया, फिर मेरे बच्चे गया, हम थोड़ा सा आई हुई है चल बैठ गए इस बेटी के साथ, वो गेट के बाहर गया कि अब दोबारा फोन आया गया, उसको ले गए। माता जी बच्चा बताया जा रहा है मंद बुद्धि है, तो रात के समय आपने अकेले क्यों जाने दिया उसको? नहीं इतना भी नहीं है हैंडीकैप, इतना भी नहीं हैंडीकैप है, सारी समझ है उसको, हैंडीकैप है, दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं, वही तो चाहती हूँ मैं, मेरे को बताएं मेरे बच्चे को क्यों मारा है उन्होंने, कुछ नहीं पता, पूछूंगी ना मैं उनसे, पुलिस कार्रवाई करे उनको पकड़े, उन दरिंदों को पकड़े जिन्होंने मेरे बच्चे को मारा है। गुंजपुरा गुंजपुरा
देख में मेरा बच्चा पता नहीं कैसे हिम्मत करके भागा होगा वहाँ से, एक जगह बैठा भी सही, वहाँ खून खून होया पड़ा था, हिम्मत करके फिर भागा मेरा बच्चा आगे आके दुकान ने आया उसकी उसकी कपड़े वाले की, घर थोड़ी सी दूर पड़ता वहीं आके मेरा बच्चा ऐसे करके बैठ गया। उसकी बहन ने वहाँ से देख लिया, हम भी उसको ढूंढने निकले थे, हम इस तरफ गए इतना वहाँ से मेरे बच्चा आ रहे थे, मेरा ध्यान नहीं गया मैं इस तरफ थी, उसकी बहन ने उसको देख लिया, फिर कहती है देख मेरा वीर मेरा वीर, फिर मेरे को कहते आंटी जल्दी आ जल्दी आ, मेरा बच्चे को यह चाकू मार रखे थे, खून खून सारा खून था, यहाँ पे 7-8 चाकू मार दिए मेरे बच्चे को, चाकू। देख सकते हैं हालत काफ़ी गंभीर है, यहाँ पर परिवार वालों की भी कहीं ना कहीं एक दुख बहुत बड़ा है, जिस प्रकार से बच्चा इकलौता था उसके ऊपर चाकुओं से वार किए गए हैं, मार माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आप इस खबर को शेयर कर देना ताकि इस परिवार को जल्द से जल्द जो इंसाफ है वो मिल सके और जो आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त में जल्द से जल्द आ सकें। अभी देख सकते हैं माँ के हालात जो हैं काफ़ी काफ़ी दुखदाई, देख सकते हैं तस्वीरें। मेरी आप सभी से अपील है हाथ जोड़कर इस खबर को शेयर जरूर कर देना। साथ वाले हैंडीकैप से क्या लेना था उन्होंने, जो एक थप्पड़ भी मार दे कोई उसको थप्पड़ नहीं मार सकता, सही से चल नहीं सकता, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी, किस लिए मारा गया पूछे उससे, क्यों मारा क्या दुश्मनी थी, हमारे दो घरों का एक ही चिराग, एक ही चिराग था हमारा दो घरों का, क्यों मारा गया हमसे, पुलिस कहाँ थी, कह रही है पुलिस थाने के बैक साइड मारा गया है, वो चिल्लाया मंडी में जो रहते हैं वो कह रहे हैं आवाजें आ रही थी बचाओ बचाओ, पुलिस ने नहीं सुनी थी, पुलिस क्या कर रही थी उस टाइम, उन्होंने समझा कोई शराबी होगा, लेकिन मेरा बच्चा चिल्ला रहा था मेरे को बचाओ, मम्मी भी बुलाया होगा, मेरे तक आवाज क्यों नहीं आई, मैं दौड़ के जाती अपने बच्चे को बचाने के लिए, मेरे बच्चा अभी तबीयत कैसी है उसकी, ठीक नहीं है मेरे बच्चे की तबीयत, ठीक नहीं है, किसी को गिरफ्तार किया पुलिस ने, किसी को नहीं गिरफ्तार किया अभी तक, किसी को नहीं पकड़ा, पुलिस वहां तक भी नहीं गई देखने जहां मारा है, हम लोग तड़प रहे हैं जा रहे हैं देख रहे हैं हमारे बच्चे को कैसे मारा होगा, कहां मारा होगा, कहां चप्पल एक कहां पड़ी है, एक कहां पड़ी है, बच्चा हैंडीकैप था थक गया होगा बैठ गया, माँ खून खून होया पड़ा, फिर हिम्मत करके भागा होगा अपनी जान बचाने के लिए, मालूम नहीं है कितने लोग थे, हमारे बच्चे ने एक का ही नाम बता के, 18 साल का है जतिन नाम है उसका, कुछ नहीं 18 साल का है, चल ठीक सकता नहीं था उसको टाइम पास के लिए, तो किसी घर से थे? घर घर से ले गए होंगे, फोन आया था, फोन आया उन्हीं लोगों का फोन आया था, अब उन्हीं का ही होगा ये तो पुलिस पता करेगी, पुलिस किसका फोन आया था, अननोन नंबर से फोन आ रहे थे बार बार, जब बैक कॉल की तो कौन है कहते गलती से लग गया, एक बार बोलते हमने नहीं किया, उसके बाद फिर फोन आया बच्चा बाहर चला गया, फिर उसके बाद तो बच्चा अंदर घर के आया ही नहीं, आधे घंटे बाद जैसे ही खाना वो खा के ही गया था, खाना खा मम्मी और अभी तक बच्चा नहीं आया पता करने के लिए, पड़ोस में चाचा को कैसा हो गया पड़ा थोड़ा पानी घिन गया ऐसे करते हुए ढूंढने लगे, फोन बैक करा तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था उसका, फोन स्विच ऑफ आ रहा सभी ने बार बार फोन, कोई इधर गया ढूंढने के लिए गया, तो बाहर में बहन निकली बाहर तो ढूंढने के लिए सारे घर के निकल गए, कोई किस और कोई किस और, वहां से सामने चलता हुआ झूलता हुआ वो आ रहा था, थोड़ी घर से थोड़ी सी दूर पे दुकान के पास वो गिर गया, बहन ने पकड़ लिया, क्या क्या हुआ जतिन क्या हुआ तेरे को, क्या दीदी मेरे को चाकू मार दिया, पूछा किसने, कहता पाटू पाटू है उसने मारा, इतने में लड़का बेहोश हो गया, उसको हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में उन्होंने देखा वो साफ कर रहे थे, कहते कोई नहीं ठीक हो जाएगा बच्चा, जब मम्मी उसकी ताई पहुंची उन्होंने देखा भी सारे कपड़े खून से हैं, उतारने लगे देखा तो पेट पे भी चाकू लगे पड़े हैं सारे, जब वो डॉक्टरों ने देखा भी इसके पेट में भी चाकू, उन्होंने जवाब दे दिया कि फौरन इसे ले जाओ यहाँ से, वीरक पे उन्होंने भी जवाब दे दिया, फिर यहाँ पर आए लेके इन्होंने लिया, कह रहे अब बच्चे की कंडीशन बहुत खराब है, खून सारा बह चुका है, इसीलिए बच्चे की कोई कंडीशन अच्छी नहीं है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, इंसाफ चाहिए, ऑपरेशन किया मेरे बच्चे को क्यों मारा,
अभी कुछ नहीं, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है, क्यों मारा मेरे बच्चे को।